मैं रफशान पिरानी और आप देख रहे हैं मुमरा एक्सप्रेस। दोस्तों आइए चलते हैं आज की विशेष खबर पर। मुमरा पुलिस को मिली एक बड़ी कामयाबी, एमडी ड्रग्स के समेत एक नाइजेरियन को किया गिरफ्तार। जी हाँ दोस्तों, 3 सितंबर का मामला है जब मुमरा एनडीपीएस की टीम के अधिकारियों को एक गुप्त सूचना मिली, जिसके चलते उन लोगों ने अपना जाल बिछाया और मुमरा स्टेशन के पास में जो पुराना पेट्रोल पंप है वहाँ से 3 लोगों को हिरासत में लिया और 3 लोगों की इंटीग्रेशन करने के बाद में पता चला कि एक नाइजेरियन शख्स मुमरा में एमडी की डिलीवरी देने आने वाले हैं। जब उन 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था तो उनके पास से भी मुमरा पुलिस को लगभग 26 ग्राम एमडी मिली और जिसके बाद में इन लोगों ने ट्रैपिंग लगाई और ट्रैपिंग लगाने के बाद में उन लोगों को अरेस्ट करने के बाद उन लोगों की जब इंटीग्रेशन की गई तो पता चला कि एक नाइजेरियन शख्स मुमरा में रेती बंदर परिसर में एमडी देने के लिए आने वाला है, जिसके बाद मुमरा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक इन लोगों ने अपनी टीम को वहाँ पर जाल बिछाया और उसके बाद में उस नाइजेरियन शख्स को अपनी हिरासत में लिया, जिसके पास से लगभग 55 ग्राम एमडी मिली है और उस नाइजेरियन शख्स का नाम है केलिचिकु एजे फार्निस, जिसकी उम्र 39 साल बताई जा रही है, जो कि नालासोपारा पालघर के साइड का रहने वाला है। मुमरा पुलिस ने उस नाइजेरियन को अपनी हिरासत में ले लिया है। फिलहाल उसकी इंक्वायरी चालू है, पूछताछ जारी है। अब देखना यह है कि आखिर कितने बड़े पैमाने तक के ये ड्रग्स के तस्कर मुमरा में आकर ड्रग्स की तस्करी करते हैं। धन्यवाद। इनके जरिए आपने नाइजेरियन तक पहुंच करके ये पूरी ड्रग सप्लाई की जो चेन थी इसको किस तरीके से उजागर किया है? सफल मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मदद सिर करके मुमरा का जो एक इसमें का आरोपी है वो हमने फर्स्ट टाइम अपन उसको पकड़ा था, तो बाद में उसको जब पीसी मिला तो पीसी मिलने के बाद में उसको इंटरोगेशन के लिए जब बाहर निकाला तो उससे जो मालूमात हुई उसके जरिए हम ये जो नाइजेरियन नेशनलिस्ट है इसके पास में हम पहुँचे, उसकी सब इंफॉर्मेशन निकाल के उनको थोड़ा विश्वास में लेके पूछा तो उसने डिमांड का जो है जो हमने डिमांड किया था उसको वो उसने कबूल किया और जो माल है वो देने के लिए है वो यहाँ पे मुमरा में रेती बंदर के पास में आया था नाइजेरिया। अच्छा, तो सब जो एनडीपीएस की जो कार्रवाई रहती है वो कार्रवाई के तहत हमने उसको दर दबोच लिया। अच्छा। और उसके पास से ये जो 55 ग्राम है एमडी तो उससे पास में हमने बरामद की है। भोसले साहब, मुमरा कौसा में फिर एक बार अभी आपने नया नया लोकल एनडीपीएस यूनिट का चार्ज लिया है, टीम नए से बना करके आपको दी गई है, लेकिन फिर एक बार ड्रग्स थोड़ा बढ़ता चला जा रहा है, काफ़ी इलाकों से लोगों की शिकायतें आ रही है और हमें ऐसी जानकारी मिली कि इस केस के पहले आपने कुछ और भी कार्रवाइयाँ की है, कुछ और जो है कंजप्शन की, कुछ और एमडी या गांजा वगैरह पकड़ने की आपने कार्रवाइयाँ की है, क्या जानकारी है सर? बगैर मतलब कोई मतलब आपने खुद की है कार्रवाई तो कोई रिकॉर्ड देखने की जरूरत नहीं, जितना मतलब आप इसी तरीके से बता सकते हो कैसी कार्रवाइयाँ हुई है वो। सर पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सीनियर सर अशोक कंडक जी ने जब से हम मेरे को ये चार्ज दिया है तब से अभी तक मैंने 4 कार्रवाई की है एनडीपीएस के तहत, गांजा की है, चरस की है, अभी एमडी वाली है। एमडी वाली है तो इसमें अभी तक 4 कार्रवाई है। इसमें 4 कार्रवाई में जो मुद्देमाल मिला है वो भी हमने सीज करके कलीरा को भेजा है परीक्षण के लिए और जो बचा हुआ है वो हमने मुद्देमाल उसमें जमा कर दिया है। तो 4 कार्रवाई के तहत जो मुद्देमाल मिला है उससे ऐसा लगता है कि हम आगे कार्रवाई करते रहेंगे और जो भी इंफॉर्मेशन पुलिस के पास आ जाएगी तो उसके ऊपर हम वर्कआउट जरूर करेंगे। तो मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मुमरा वालों को या मुमरा वासियों को कि इनको अगर आपको इनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन मिलती है, चाहे वो एमडी के बारे में रहे, गांजा के बारे में, किसी अमली पदार्थ के बारे में, मेडिसिन नशा है उसके बारे में, तो वो इंफॉर्मेशन जल्द से जल्द पुलिस तक पहुँच जाए ताकि जो बेचने वाला है वो आके बेच के वापस ना जाए। शायद यही इंफॉर्मेशन जल्दी से जल्दी पुलिस तक पहुंचती है तो हम उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई कर लेंगे। सर कुछ ही दिन पहले मुमरा में अपनी ही डिटेक्शन ब्रांच की टीम ने इरफान सैयद नाम के एक व्यक्ति को एमडी के साथ पकड़ा था। अब 3 दिन पहले इसी व्यक्ति की पत्नी और उसकी बहन
यानी साली, ये दोनों सूरत में पकड़ी गई है। मुमरा से जाकर के वहां माल सप्लाई कर रही थी, वो दो महिलाएं पकड़ी गई है, पूरी उनकी खबर जो है सुर्खियों में छाई हुई है। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि मुमरा में आकर के बाहर के लोग भी सप्लाई करते हैं और लोकल लोग भी जो है बेचने का इसको काम कर रहे। तो ये एक चुनौती है सर, किस प्रकार से इसको आप लेंगे, कैसा इसको जो है इसको खत्म करने के लिए किस कदर की उपाय योजना के ऊपर आप विचार कर रहे हैं सर? पहले तो हम मुमरा वासियों को हम यही कहना चाहेंगे कि आप हमको इन्फॉर्मेशन देंगे तो हम उसको वर्कआउट करेंगे, इन्फॉर्मेशन देंगे तो हम फटाक से उनको घर तक पहुंचेंगे। सर ऐसा होता है, आम आदमी स्टेशन हाउस पर जाता है सीधा, तो स्टेशन हाउस पर इतनी व्यस्तता रहती है, आप भी जानते हैं, आप भी स्टेशन हाउस किए हुए ऑफिसर है, बहुत ज्यादा उधर गड़बड़ रहती है। तो स्पेसिफिक ड्रग्स वगैरह की कंप्लेंट के लिए क्या लोग सीधे आपसे संपर्क कर सकते हैं, आपकी टीम से संपर्क कर सकते हैं? बिल्कुल सीधा संपर्क कर सकते हैं, हम सीनियर साहब हैं, सीनियर साहब को संपर्क कर सकते हैं, हमको संपर्क कर सकते हैं, हमारे टीम के किसी भी सदस्य को संपर्क कर सकते हैं। तो हम आपका नंबर स्क्रीन पर चला सकते हैं सर, अगर ड्रग्स के संबंधित किसी को इन्फॉर्मेशन देनी है तो वो सीनियर पीआई साहब और यूनिट के जो इंचार्ज हैं पीएसआई नितिन भोसले साहब, इनको संपर्क कर सकते हैं। जी सर बिल्कुल, थैंक यू। थैंक यू। 3 सितंबर को हमारे जो पीएसआई भोसले और उनकी पूरी टीम है उमरा में, उनको एमडी नार्कोटिक्स ड्रग है उसकी इन्फॉर्मेशन मिली थी। उस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक उन्होंने दत्तवाड़ी पेट्रोल पंप के पास से 3 लोगों को हिरासत में लिया, जिनके नाम है अकदस शेख, सैयद अफरोज और मुदस्सर खान। उसमें अकदस शेख जो है वो मुमरा का रहने वाला है और सैयद अफरोज और मुदस्सर खान जो भिवंडी के रहने वाले हैं। इनको हिरासत में लेने के बाद में इनके पास से हमको 26 ग्राम MD हमें बरामद हुई। उसके तहत हमने CR नंबर 808/2022 के तहत हमने गुना रजिस्टर किया। NDPS एक्ट सेक्शन 8C और 22A के तहत हमने गुना रजिस्टर किया। इंट्रोगेशन में हमको पता चला कि ये जो MD है ये लाते कहाँ से, इसकी जब मालूम करना चालू की तो हमें पता चला कि नाइजीरियन नेशनल इसमें इन्वॉल्व है जो इनको ये ड्रग सप्लाई करता है। तो उसके तहत हमने ट्रैप लगाया और ये नाइजीरियन जो नेशनल है केली चिकू फ्रांसिस, इसको हमने 5 सितंबर को हमने गणेश घाट मुमरा के यहाँ से हमने ट्रैप करके इसको हमने हिरासत में लिया और इसके पास से हमने अभी तक 55 ग्राम MD हमने रिकवर किया है। टोटल जो मुद्देमाल है करीबन 1 लाख के ऊपर का हमने अभी तक ड्रग्स हमने बरामद किए हैं और एक अच्छी सफलता हमारे पूरे मुमरा पुलिस स्टेशन के सीनियर PI कडलक, PI क्राइम निकम, PSI भोसले, हेड कांस्टेबल माली उड़के और उनकी पूरी टीम ने ये अच्छा काम किया। कितने दिन की PC वगैरह थी? तो 3 दिन की PC मिली है। जिनको आपने पकड़े जो मुमरा में पकड़ा गया उसे या पुराने रिकॉर्ड्स वगैरह सर इस चीज़? अभी तक तो कुछ रिकॉर्ड सामने नहीं आया है, जो अकदस शेख है उसका कोई रिकॉर्ड अभी तक सामने नहीं आया है, साथ ही सैयद और मुदस्सर का भी अभी तक रिकॉर्ड नहीं मिला है। बट इसमें हम लोग पूरे पुलिस स्टेशन से इंफॉर्मेशन निकाल के उनका कुछ रिकॉर्ड मिलता है कि इसकी भी तफ्तीश जारी। सर ऐसा है कि हर दफ़ा हम ये जो MD का है ये मुमरा में ही तस्कर आके करते हैं, तो ये मुमरा शहर को बदनाम करने के लिए यहीं पर आके या वहीं बेचते बाहर से लोग सर हमेशा? जहाँ डिमांड है वहीं पे सप्लाई होगा सर। जिस तरह से इन्फॉर्मेशन हमको आती है वो मुमरा हो, शील टाइगर हो, कलवा हो, यही जहाँ भी इन्फॉर्मेशन आती है ड्रग्स की हम लोग वहाँ पे तुरंत हमारी टीम कार्रवाई करती है। सर जिस तरह से प्रशासन कार्रवाइयाँ कर रहा है, हर महीने 1-2 केस जो है हम लोग यानी पब्लिश कर रहे हैं, उसके बावजूद अंकुश क्यों नहीं लग रहा है यहाँ पर? काफ़ी सारे केसेस हमारे हो रहे हैं, मैं आपको तो मौलाना लोग भी उतर रहे हैं जी, मैं आपके माध्यम से सभी नागरिकों को ये आह्वान भी करूँगा और हमने काफ़ी ड्रग्स एंटी ड्रग्स कैंपेन भी हमने चलाए हैं, स्कूल्स है कॉलेजेस में भी हमने एंटी ड्रग्स कैंपेन चलाया है। दोबारा हम लोग जैसे गणपति फेस्टिवल हो जाता है हम दोबारा यूथ में खासकर जो यंग बच्चे हैं उनमें हम लोग ये एंटी ड्रग्स कैंपेन का वापस दोबारा हम लोग ये इसका कैंपेन हम लोग चलाएंगे ताकि एक अवेयरनेस हो जाएगा यूथ में और इस जो
गंदी आदत है वो अगर लगी रहेंगे तो उसको छुटवाने के लिए भी हम लोग जरूर प्रयास करेंगे। साथ ही मैं नागरिकों से आह्वान भी करूँगा कि अगर आपको ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहेगी तो प्लीज़ हमें बता दीजिए, आपका नाम आपका इन्फॉर्मेशन गुप्त रखा जाएगा और ज़रूर कहीं भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जहाँ पे ड्रग्स बेचे जा रहे हैं या उसकी कुछ व्यवहार होता रहेगा तो उसके ऊपर ज़रूर हमारे तरफ से कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। धन्यवाद दोस्तों, ऐसी ही बेबाक खबरों के लिए जुड़े रहिए मुंब्रा एक्सप्रेस पर। ऐसी ही दिलचस्प खबरों के लिए सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।